आज राष्ट्रीय कार्य पदाधिकारियों की बैठक अमित शाह जी की अध्यक्षता में शुरू हुई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने राष्ट्रीय पदाधिकारी को संबोधित किया और जो एक महाअभियान भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है सदस्यता का, जिसमें बीजेपी को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन गई है। पूरे पदाधिकारियों ने करतल ध्वनि से अध्यक्ष जी का और जो लोग इस टीम में लगे थे उनका स्वागत किया। सदस्यता अभियान जो यहाँ अभी हम लोग इसको चला रहे हैं, एक महीने तक इसको और बढ़ाया गया है। और इस सदस्यता अभियान में जहाँ सदस्यता अभियान एक महीने तक चलने के बाद फिर सत्यापन होगा, फिर संपर्क अभियान होगा, फिर उन कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण होगा और भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के नाते इस सदस्यता अभियान को और ज़ोर शोर से चलाएगी। मात्र 151 दिन में ये बड़ी सफलता है, जहां करीब 10 करोड़ के करीब हम लोग पहुंच रहे हैं। राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक में इसको लेकर काफ़ी चर्चा हुई है और कई स्टेट जो हैं जिनको टारगेट दिया गया था सदस्यता का, टारगेट से बहुत ज़्यादा उन्होंने सदस्यता की है। कई राज्य ऐसे हैं जहां 3 गुना और कई ऐसे राज्य हैं, खासकर नॉर्थ ईस्ट से लेकर दक्षिण के वो राज्य जहां हमारा काम बहुत ज़्यादा नहीं था, वहां कई राज्य में 3 गुना और कई राज्य में 7 गुना तक सदस्यता हुई। अध्यक्ष जी ने उन राज्य के पदाधिकारियों को, अध्यक्ष को बहुत बधाई दी। राष्ट्रीय पदाधिकारी की आज बैठक में 4:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शामिल होंगे और आज भी राष्ट्रीय पदाधिकारियों को उनका संबोधन प्राप्त होगा। कल राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी, जिसका उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी करेंगे और बैठक का समारोप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। इस में 2 प्रस्ताव लिए जाएंगे। पहला प्रस्ताव तो जिसकी चर्चा अभी पदाधिकारी बैठक में होगी और प्रस्ताव को हम तैयार करेंगे, वो राजनीतिक प्रस्ताव होगा जिसमें देश की राजनीति, हमारी सरकार, उसकी उपलब्धियाँ, इन सब पर चर्चा होगी और उसको प्रस्ताव में सम्मिलित करेंगे। और जो दूसरा प्रस्ताव होगा, जिस तरह से भारत की साख पूरी दुनिया में बढ़ी, भारत एक मजबूत देश के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उभरा है और भारत की जिस तरह से पूरे दुनिया में दबदबा बढ़ा है, विदेश नीति में जिस तरह हम सफल हुए, उसको लेकर भी एक प्रस्ताव आएगा। हमारे लिए सदस्यता अभियान में जहां पर इस सदस्यता के साथ साथ कुछ ऐसे अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म शताब्दी समारोह चल रहा है और 6 अप्रैल को भाजपा का स्थापना दिवस है, 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 125वीं जयंती है और 26 मई को हमारे सरकार के उपलब्धि के 1 वर्ष पूरे हो रहे हैं और 21 जून को भारत ने जो बड़ी सफलता प्राप्त की है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। इससे भी कैसे कार्यकर्ताओं को जोड़ें, इस पर भी चर्चा होगी। 2 विषय जो स्वच्छता अभियान है, इसमें पूरी पार्टी लगे, पूरे कार्यकर्ता लगे, इस पर भी चर्चा होगी। और जो गंगा निर्मल अविरल रहे, उसके लिए जो कार्यक्रम सरकार की तरफ से चल रहा है, उसमें भी पार्टी की पूरी भागीदारी हो, इस पर भी चर्चा होगी। हमारे इस पदाधिकारी बैठक में उत्साह का माहौल है। जिस तरह से पार्टी ने
हर मोर्चे पर सफलता प्राप्त की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह देश ने सफलता प्राप्त की है उसको लेकर उत्साह के वातावरण में यहाँ पर बैठक चल रही है। हम आपको आज के बैठक के बाद कल राष्ट्रीय कार्य समिति की जो बैठक होगी उसमें पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता शामिल होंगे और प्रस्ताव के बाद और बीच में हम आपको सूचित करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।